पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई और उसके बाद बड़ी आयकर रेट से बंद चल रही बरेली की प्रमुख मीट निर्यात कंपनी मारिया फ्रोजन फिर से शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को फिर से खोलने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पीसीबी ने भी काम शुरू करने का सिग्नल दे दिया। अब पहले की तरह कंपनी से मीट आपूर्ति होती दिखेगी। मानक से ज्यादा पशुओं के कटान और अन्य शिकायतों को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मनोज सिंह ने 1 दिसंबर 2022 को मारिया फ्रोजन फैक्ट्री बंद करा दी थी। फैक्ट्री प्रबंधन अभी पीसीबी की कार्रवाई को लेकर कानूनी राह पकड़ ही रहा था कि कंपनी के मालिक हाजी शकील कुरैशी, उनका पूरा ग्रुप आयकर विभाग के निशाने पर आ गया था। दिल्ली लखनऊ की आयकर टीमों ने रैली में हाजी शकील कुरैशी के प्रतिष्ठान आवास कार्यालय पर कई दिन छापेमारी की कार्रवाई की थी। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद से बंद चल रही बरेली में नकटिया स्थित मारिया फ्रोजन में अब आकर फिर से काम शुरू होता नजर आएगा। प्रशासन द्वारा मारिया फ्रोजन कंपनी पर सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ प्रबंधन ने हाईकोर्ट की राह पकड़ी थी। हाईकोर्ट ने सीलिंग की कार्रवाई को लेकर पीसीबी से जवाब मांगा था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मारिया फ्रोजन ग्रुप को राहत दी और 7 दिन के अंदर बंदी का आदेश निरस्त कर फैक्ट्री में फिर से काम शुरू कराने के आदेश जारी कर दिए। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि कोर्ट से उनको न्याय मिला है। वहीं पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी रोहित सिंह ने मीडिया से कहा है कि आदेश प्राप्त हो गया है, अब मारिया फ्रोजन में काम शुरू हो रहा है। वैसे बरेली में ये भी चर्चा है कि मीट निर्यात में बड़ा नाम बन चुके हाजी शकील कुरैशी के खिलाफ कुछ गुमनाम शिकायतों ने उनके सामने कई तरह की कानूनी दिक्कतें खड़ी कर दी थी। शिकायतें किसने की और क्यों की, इसे लेकर बरेली के हलकों में अभी भी कई तरह के बातें तैर रही हैं। मगर ये बात तो तय है कि शिकायतों की वजह से हाजी शकील एंड कंपनी को हाल ही के दिनों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके नुकसान से किसका क्या फायदा हुआ, ये सवाल अभी पहली बना हुआ है।